सिडको तथा महानगर पालिका ने मिलकर फिर एक बार तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इस तोड़क कार्रवाई से काफी नागरिक असंतुष्ट नजर आए, लेकिन किसी ने भी तोड़क कार्रवाई का विरोध नहीं किया। इस कार्रवाई में 20 से अत्याधिक घरों को ध्वस्त कर दिया गया। तोड़क कार्रवाई में पुलिस बल की संख्या भी ज्यादा थी। गनीमत यह रही कि वहां के लोगों ने तोड़क कार्रवाई का विरोध नहीं किया। इस पूरे मसले पर तोड़क कार्रवाई में शामिल अधिकारी ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। वही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नासिर पठान ने बताया कि तोड़क कार्रवाई में कितने पुलिस अधिकारी तथा सिपाही शामिल है। 4 PI, 8 अधिकारी, 55 कर्मचारी असा बंदोबस्त होता आणि चांगले सहकार्याने या ठिकाणी डेमोलिशनचे कार्य झालेले आहे। कोणताही अनुचित प्रकार नाही, शांततेत कार्यवाही पार पडली आहे। तोड़क कार्रवाई पर लोगों ने अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि हम यहाँ 25 सालों से रह रहे हैं, जिसका सबूत मौजूद है, लेकिन हमारे घरों को तोड़ दिया गया। किस साल हुए? तरी कोर्टा था, ये लोगों ने कहा मानला नहीं, आज तंत्र स्टे पाजे स्टे आमला तो मिला नहीं, पर आम 67 साल पासून 68 साल पासून प्रॉपर आमचा जागा आहे, 7-12 आमचा आहे। आम्ही सुरकोचे पैसे घेतले नाही, आताही घेतले नाही, अजूनही घेतले नाही। मला पासून राहते तिथे बरोबर, मला आणि नंतर म्हणजे मिस्टर वारले, मुलगा नाहीये, अशा निराधार बाईला एकदम घरातून बाहेर काढलं आणि तिचं घर तोडलं। एवढे वर्ष मी तिथं राहते, जुना पुरा जंगल होता, तिथं मी राहत होते। 84 सालापासून मी तिथं राहते, सगळे पुरावे आहेत माझ्याजवळ, आणि मला मुलगा कोणी नसताना अशा निराधार बाईला त्यांनी घराच्या बाहेर काढलं। फिलहाल अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन कई लोग जिंदगी की परेशानी से जूझने को मजबूर है, जो तलाशने में व्यस्त है एक आशियाना। नवी मुंबई से कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।